हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यूपी से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के लखनऊ के गहरे जंगल में बेरहमी से की गई लड़की की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के दौरान रोंगटे खड़े कर देने वाले तथ्य पुलिस के सामने आए। लड़की कत्ल इतनी हैवानियत के साथ किया गया था कि पोस्टमार्टम करने वाले और उसकी रिपोर्ट देखने वाले सभी हैरान रह गए। लड़की के शरीर पर कई जगह चाकू से वार किए गए थे, लड़की के कपड़े बिखरे थे, लिहाजा पुलिस ने रेप के एंगल से हुए मर्डर की जांच शुरू की। पुलिस ने 24 घंटे में इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाते हुए लड़की के प्रेमी और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया। लड़की का प्रेमी कैफ और उसके दो दोस्त आकाश यादव और विशाल कश्यप पर हवस का इतना जुनून सवार था कि लड़की के मना करने के बाद इन सब ने मिलकर लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी। लड़की पर एक दो नहीं बल्कि 25 से ज्यादा ताबड़तोड़ चाकू से वार किए गए थे। इसके बाद इन्हें तसल्ली नहीं हुई तो इन सब ने लड़की गले में फंदा डाला और ये जानने के बाद कि वो मर चुकी है तब जाकर ये फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक युवती की मोहम्मद कैफ नाम के लड़के से दोस्ती थी जिससे वो फोन पर बातचीत करती थी। कैफ सरोजनी नगर में रहता था। 12 जून को युवती ने उसे बताया कि उसके पापा घर पर नहीं है और माँ गांव गई। ये जानकर कैफ ने उसे शहर से दूर घुमाने के लिए मना लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी कैफ उसे गहरे जंगल ले आया जहाँ पहले से उसके दो दोस्त मौजूद थे, जहाँ तीनों ने शराब के नशे में उसके साथ जबरन रेप करने की कोशिश की। लड़की के मना करने पर उस पर चाकू से वार कर दिया। इन तीनों ने लड़की पर 25 से ज्यादा बार चाकू से वार किया जिससे लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक लड़की सीतापुर की रहने वाली थी। परिवार के लोगों ने बताया कि उनकी बेटी 12 जून की शाम को घर से लापता हो गई थी। उस वक्त उसके पिता ड्यूटी पर गए थे। रिपोर्ट, लखनऊ यू न्यूज़।